अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ समन उस्मान। आज मैं जिन प्रोडक्ट्स का आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ वो एक लोकल प्रोडक्ट्स हैं, बट सम टाइम लोकल प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे निकल आते हैं। लोकल इस तरह के हैं कि मेड इन पाकिस्तान हैं और इन ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। 130 रुपीज़ जो है वो इनकी प्राइस है, ठीक है। तो ये दो प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। ये इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है, मेड इन पाकिस्तान एक लोकल ब्रांड है। तो उसका नाम है D&T के नेम से। एक मैंने इसका मड मास्क लिया है और एक मैंने इसका लिया है एडवांस फार्मूला वाइटनिंग स्किन पॉलिश। आपने क्या करना है, अपने फेस को किसी भी अच्छे क्लिनजर से क्लीन करना है, उसके बाद आपने पानी लेके इससे जो वाइटनिंग स्किन पॉलिश है इससे आपने 8 to 9 मिनट्स तक मसाज करनी है सॉफ्ट हैंड से अपनी स्किन की, और उसके बाद किसी टिश्यू पेपर या से वाटर से अच्छी तरह से उसको साफ़ करने है। वैसे कोशिश करें टिश्यू पेपर से साफ़ करें ताकि जो भी डर्ट वगैरह है वो आपकी रिमूव हो जाए। और उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो लाजमी आपने इसके साथ करना है कि ये वाला एडवांस फार्मूला मड मास्क ट्राई करना है। कहीं भी अगर आपने जाना है या आपकी स्किन के ऊपर सन टैन हो गया है या आपको अर्जेंट जो अपनी स्किन को क्लीन करना है और मेकअप करना है तो उससे पहले आप इस प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट हैं, 130 रुपीज़ के लोकल हैं, बट सम टाइम लोकल चीज़ें भी जो हैं वो अच्छी निकल आती हैं। मैंने इनको यूज़ किया, दैट्स वाई मैं आपके साथ इसका रिजल्ट बता रही हूँ, ठीक है। जो मड मास्क है ड्राई होने के बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। बहुत बहुत बेस्ट रिजल्ट है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, इस पर इतने कोई ज़्यादा जो है वो फार्मूलाज वगैरह जो है वो यूज़ नहीं हुए। इंग्रेडिएंट्स भी आप देख सकते हैं, प्यूरीफाइड वाटर, टाइटेनियम, जोजोबा ऑयल, मिनरल, विटामिन ई, सारा कुछ, या बटर, सिट्रिक एसिड भी है कि इवन अगर किसी का पिंपल्स का इशू है तो वो भी जो है इससे एक्टिव नहीं होगा और ज़्यादा बिगड़ेगा नहीं है। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत बेस्ट है, इसमें हल्के हल्के से स्क्रब में जैसे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत बहुत हल्के के आपकी स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन या कुछ इस तरह का नहीं होता, ठीक है। बट आपको एकदम से ग्लो मिल जाता है, 2 दिन तक आपकी स्किन के ऊपर ग्लो रहता है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, रिकमेंडेड है। फिर भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड अगर आपने पूछना हो आप इजीली मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।